सो हाई एपिसोड विद मी अर्शी और कॉलेज रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हूँ और अभी हम बात करने वाले हैं एस आई ई एस मुंबई के बारे में वैसे तो यू you नो know, ये कॉलेज जो है वो एम एम एस के लिए टॉप टेन कॉलेज अंडर सी टी आता है आई थिंक जो भी स्टूडेंट ने सी टी दिया है या फिर जो दोबारा थर्टी तो फैप्रैल को लिखने वाले हैं जिनको ज़्यादा टाइम मिला या जिनको टेक्निकल इशू की वजह से टाइम नहीं मिला उनकी लिस्ट में ये कॉलेज यू नो हमेशा रहता है एम एम एस के लिए अगर आप आर ओ आई वाइज देखोगे फ़ीस कम रहती है तो बच्चा सोचता है मैं ले लूँ पर कन्फ्यूजन पिक्चर में आता तब है जब क्योंकि कुछ टाइम पहले दे ऑल कॉलेज दीज ऑल कॉलेजेस राइट फ्रॉम चेतना टू आई ई एस टू यू नो एस आई एस टू एम ई टी इन मुंबई दे स्टार्टेड दियर पी जी डी एम प्रोग्राम और यूजुअली पी जी डी एम में वो बच्चा जाता है कि यार उसको पता है एम एम एस के लिए यू नो द कट ऑफ विल बी वेरी हाई 98 एट परसेंटाइल नाइन परसेंट टाइल और मुझे नहीं मिला तो एटलीस्ट चलो कम परसेंट टाइल पर मैं पी जी डी एम में ले लेता हूँ तो मैं ट्राई करूँगी रिव्यू करने की मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है पीजे की राइट तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू तो टेल यू माई ओपिनियन ऑल्सो वट आई गेट द फीडबैक फ्रॉम तो स्टूडेंट्स सो लेट्स गेट स्टार्ट वेलकम बैक टू द एपिसोड एस आई एस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन नवी मुंबई नेहरू नवी मुंबई में ये कॉलेज लोकेटेड है दिस इज बेसिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये कॉलेज जो है नाइनटीन नाइन्टी फाइव में सी स्कॉम जो है वो स्टैब्लिश हुआ था राइट ग्लोबल रिलेशन में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती है पी जी डी में जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है फैकल्टी एक्सचेंज है जॉइंट रिसर्च है जॉइंट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है शॉर्ट टर्म विजिट बाय स्टूडेंट्स ऑन यू नो रेसिप्रोकल बेसिस और इंडस्ट्री इंटर्नशिप ऑप्शन प्रोवाइड करता है अब जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया ये एमएमएस भी कराता है और ये पीजीडीएम भी कराता है सबसे पहले एमएमएस जो है दैट इज मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से अफिलियटेड कोर्स है जो कैप काउंसिलिंग के थ्रू स्टूडेंट अप्लाई करते हैं थ्रू कैट जैट महाराष्ट्र सी और सीमांट के थ्रू बच्चा अप्लाई कर सकता है और बेस्ड ऑन द ये मिलता है कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशन सिस्टम एंड एच जैसी स्पेशलाइजेशन में आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं अब इसके अलावा ये पीजीडीएम भी कराता है जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है जिसमें सबसे पहला पीजीडीएम है जो एआईसीटी अप्रूव्ड है दैट इज कॉल्ड जनरल पीजीडीएम जहां मार्केटिंग फाइनेंस एच आर जैसी स्पेशलाइजेशन है देन ये पीजीडीएम फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में कराता है ये जो पी है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में ये इंडिया में बहुत कम कॉलेजेस में मिलता है तो दैट इज द रीजन जो स्टूडेंट्स फार्मास्यूटिकल देख रहे होते हैं उनकी लिस्ट में स्पेशली अगर उनकी लिस्ट में महाराष्ट्र है तो वो इसका पूछ रहे होते हैं ये नाइनटीन में स्टार्ट हुआ है इन इनकोशन विद इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन देन लास्ट बट नॉट द लीस पीजीडीएम कराता है दैट टू इन बायोटेक्नोलॉजी राइट क्योंकि ये भी एक काफी वाइड इंडस्ट्री है कॉलेजेस कम है, uh, को है तो I mean, ये तीन कोर्सेज कहीं ना कहीं ऑफर करता है एलिजिबिलिटी की बात रहे थे, पे मैंने आपको बता दिया है, कि क्या होती है कोई इंटरव्यू नहीं होता हैजिस्टर योर सेल्फ आपको यू नो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन होता है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी एंड देन अलॉटमेंट होता है तो ऐसे मल्टीपल राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है क्योंकि एम बी ए में यू नो सी टी के थ्रू टॉप टेन कॉलेजेस में आता है तो नाइन्टी नाइन परसेंटाइल से ज़्यादा का कट ऑफ जाता है अगर मैं ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की बात करूँ बाकी आप मैथ

अलग अलग रहती हैं और अभी जो 23 के प्लेसमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें पीजीडीएम क्योंकि एमएमएस काफी लेट ज्वाइन हुआ था तो इनके प्लेसमेंट्स अभी चल रहे हैं पीजीडीएम की दो साल की नाइन लाख ,00 की फीस है 120 का स्टूडेंट इनटेक है जनरल पीजीडीएम का देन उसके बाद अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो आप ये मान के चलिए टेन ट्वेल्व थाउजेंड आपको मंथली एक्सपेंस पड़ता है अगर आप खुद से क्योंकि कॉलेज का खुद का हॉस्टल नहीं है तो आप खुद से लेते हैं तो आपको दस बारह रुपए का मंथली एक्सपेंस पड़ेगा फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी की सात लाख की फीस है तो अगर हम पीजीडीएम की बात करें तो मेरे हिसाब से ये नो ऑल ये इन ऑल तीन लाख रुपए आप हॉस्टल और बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला भी ले तो बारह लाख का एक्सपेंस आपको पड़ेगा एम क्योंकि एम वो बच्चा करता है जो महाराष्ट्र का ही बच्चा है और उसको कहीं ना कहीं स्पेशली मुंबई के बच्चे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली डे स्कॉलर्स और उन्हें कहीं ना कहीं डिग्री के लिए कॉलेजेस चाहिए होते हैं कैंपस लाइफ में कैंपस लाइफ अच्छी है यू नो फैकल्टीज़ के को लेके भी मैंने क्वेश्चन किया था तो दे मैंशन की फैकल्टीज़ जो हैं वो ब्रेडी गुड है ज़्यादातर फैकल्टीज जो हैं वो पी एच डी हैं एंड दे हैव इंडस्ट्री नॉलेज सो विल फाइंड ऑल दी थिंग्स जो बी स्कूल जैसा होता है आप ये नहीं सोच रो इट्स नॉट यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको यू नो चालीस पचास एकड़ का कैंपस है बट सारी चीजें विच इज बिंग रिक्वायर्ड बाई स्टूडेंट्स दैट इज बिंग वेन दी कैंपस समर इंटर्नशिप की बात करें तो पीजीडीएम जी में हाइस्ट आईपन थर्टी फाइव का है एवरेज ट्वेंटी के का है दो मंथ्स की इंटर्नशिप होती है दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज बी मैंशन बाय स्टूडेंट्स राइट मार्केटिंग में ज्यादातर प्लेसमेंट्स हुए हैं इस साल की इंटर्नशिप में बिकॉज मैंने जिन स्टूडेंट्स से बात की वो ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं इंटरेक्ट हुए बट uh, क्योंकि यू नो कहीं ना कहीं बच्चा जब कॉलेज जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं सीनियर से इंटरेक्ट करता है फाइनेंस और एचआर के अभी चल रहे हैं राइट right? एंड uh, जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उसके पास लिस्ट में अगेन uh, इसके अलावा चेतना भी था एज ऑप्शन फॉर पीजीडीएम एंड यू नो जैसे ईवाई भी आई थी इस साल 23 की इंटर्नशिप में ईवाई का जो एवरेज टाइपेंट था 30,000 का था केपीएमजी भी थी तो मेजोरिटी ऑफ कंपनी सेल्स की थी बाकी अच्छी कंपनीज भी थी फार्मा का बायोटेक का हाईस्ट हाई पॉइंटी के बोल रहे हैं एवरेज फिफ्टीन के बोल रहे हैं टू से थ्री मंथ्स की इंटर्नशिप होती है नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स पीजीडीएम और एमएमएस की प्लेसमेंट की बात करें तो सेवन पॉइंट टू का एवरेज पैकेज मेंशन मैं बट एज पर स्टूडेंट साढ़े छः सात लाख का एवरेज पैकेज है मैंने बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो देखे कुछ साल पहले भी जब कोविड नहीं था तो इन सभी कॉलेजेस एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट ऑल स्पेसिफिकॉकउटीज कॉलेजेस जिनकी वेबसाइट पे पांच साढ़े पाँच लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज मेंशन नहीं था और जहाँ कोविड में मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस वर सफरिंग टू गेटिंग देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड उनके पैकेजेस नहीं इंक्रीज़ किए जब मैंने रियल में प्लेस स्टूडेंट से बात की वहां पे मैंने मुंबई के कॉलेजेस के एकदम पैकेजेस जंप करते हुए देखे एट द टाइम ऑफ कोविड ऑल्सो तो अगर आप एम एम एस की बात करें ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में है फीस के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं पीजीडीएम में आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या मुंबई के ही हैं राइट right? या फिर आपकी लिस्ट में और कौन से कॉलेजेस हैं बिकॉज अगर हम एस आई एस की बात करें तो अनडाउटेडली ये कॉलेज टॉप कॉलेज में आता है बट इसकी जो ब्रांड वैल्यू है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर हम वेलिंगकर की बात करें तो वेलिंगकर ने अपनी जो रेपुटेशन है जो ब्रांड बिल्डिंग है वो लिमिटेड टू मुंबई या लिमिटेड टू महाराष्ट्र नहीं है वो पीजेडीएम पे कराता है वो पीजेडीएम से पूरी इंडिया से बच्चे जानते हैं अप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन थोड़ा सा पीजेडीएम को लेके यू नो एडमिशन इजीली हो जाते हैं क्योंकि बच्चा एम के लिए टॉप कॉलेज जानता है तो उसको लगता है यार मुझे चलो पीजीडीएम मिल रहा है तो मैं ले लूँ बट ब्रांड वैल्यू अगर आप महाराष्ट्र के बाहर देखोगे एस आई की पीजीडीएम को लेके तो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए कि आपकी लिस्ट में और दूसरे कौन से ऑप्शन हैं दिस इज समथिंग बट आई पर्सनली फील लाइक बिकॉज या ये आपको समझने की ज़रूरत है एवरेज पैकेज में आपको बता चुकी हूँ मीडियम जो है वो आई थिंक छः लाख के आसपास का है एंड कंपनीज मिक्स्ड है सेल्स कंपनीज भी आती हैं राइट अच्छी कंसल्टिंग कंपनीज भी आती हैं फार्मा का प्लेसमेंट हाईएस्ट ,00 है यू नो 11 लाख मेंशन कर रहे हैं एवरेज 6.5 मेंशन कर रहे हैं एंड पी का और एमएस का हाईएस्ट पैकेज 20 लाख का मेंशन कर रहे हैं रिक्रूटर्स मेंशन डिलॉयड डोलाइड आई थी कोका कोला अबॉट अमेजॉन के पी एम जी भी आई थी सिपला एशियन पेंट्स ये सारी कंपनीज जो हैं वो आती हैं बट इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजली कॉलेजेज जैसे बच्चा सोचता है मुझे कंसल्टिंग में जाना है तो डिलॉयड वो देखता है के पी एम जी देखता है ई वाई देखता है वो सोचता है यार यहाँ पर ज़्यादातर तो दीज आर दी कंपनीज विच डेफिनेटली कम टू द्लेसमेंट बट और भी कंपनीज हैं आपको सिर्फ कॉइन का एक साइड नहीं देखना है आपको दूसरे साइड भी देखने हैं देन डिसाइड करना है बिकॉज यूजअली बच्चा ऑनलाइन देख के डिसाइड करता है कॉलेजेस और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन 100% परसेंट हो ये पॉसिबल नहीं है आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले दैट्स काइंड ऑफ लास्ट इन्वेस्टमेंट तो यू नीड टू वेरीफाई अ लॉट गो टॉक टू स्टूडेंट्स नॉट वन मल्टीपल स्टूडेंट्स आपको मेरी कहीं भी हेल्प लग रही है नॉट एबल टू डिसाइड कि भाई

share and subscribe. <coughs>